रब्बिल आलमीन अला मुहम्मद अलहमदल्ल अलहदिल्ल रबालमीन वसलात वसल्लाम महमदमी फ़ाउज़िल्मिन बसमल्हर हज़रात ये सूरह आले इमरान की आयत एक सौ अठारह है जिससे हम कुरान मजीद का मताला शुरू कर रहे हैं इससे पहले ये बात वाज़ कर दी गई कि अहले किताब अगर ये ख़्याल करते हैं कि वो मुनकर ही रहेंगे तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि इसके बाद अगर कोई नेकी के काम भी उन्होंने किए हैं तो ये कयामत में उनके काम ना आएंगे क़ुरान ने ये उसूल वाजे कर दिया कि अल्लाह ताला के कि किसी पैगंबर की दावत के बारे में ये जानने के बाद कि वह खुदा के सच्चे पैगंबर की दावत है उसका इनकार खुदा के ख़िलाफ़ बगावत है इसके साथ वो क़यामत में किसी के ईमान अमल को कबूल नहीं करेगा और दूसरी जानब ये बात भी वाजे कर दी कि अगर कोई शख्स हक का सच्चा तलाश करने वाला है और अभी मंजिल तक नहीं पहुँचा और उसने नेकी के और खैर के काम किए हैं तो उसके अजर से वो कभी महरूम नहीं होगा ये दोनों बातें वाजे कर देने के बाद अब फिर अहले ईमान को मुखातब किया और उनसे कहा कि अल्लाह ताली का फैसला इनके बारे में शादिर होने वाला है ये मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि कुरान मजीद की ये पाँचों सूरतें यानी सूरा फातिहा से लेकर सूरा माहदा तक ये एक बाप बनती हैं और इन में सरा बकरा से इतमाम हजत का मजमून शुरू हुआ है इसके मुखातब अहले किताब में ये चीज़ कुरान मजीद के मताले में हर शख्स को जान लेनी चाहिए यानी कुरान इस तरह की किताब नहीं है कि जैसे आप किसी ख़ास फ़न पर कोई किताब पढ़ रहे होते हैं जिसमें उसके मबास को आप बाब में तकसीम करके बयान करते हैं इसके मुखातबीन पहले तय किए जाएंगे। ये एक सरगुज़श्त है खुदा के पैगंबर के इंज़ार की सरगुज़श्त। तो इसमें यह देखना होता है कि मुखातब कौन है मुखातब कौन है यानी बात करने वाला कौन है बात किस की जा रही है किस मौके पर की जा रही है क्या चीज़ जर पैसे तो पहले किताब पर अल्लाह की हजत पूरी की जा रही है जो उस वक्त रिसालत में आप के सामने है अल्लाह के एक पैगम्बर की बेसत हुई है और अल्लाह ताली के उस पैगम्बर ने अब ये फ़ैसला सुनाना है कि इसी दुनिया में जजाव सजा का वो आखिरी हुक्म नाफज हो जाए जो अल्लाह ताली अपने पैगम्बरों की बेसत के बाद नाफज करते हैं उसमें ईमान वाले इनके साथ दोस्ती भी रखते हैं इनके साथ मोहब्बत का तल्लुक़ भी रखते हैं इनके रहन सहन इकट्ठे हैं ये एक जगह कारोबार करते हैं तो एक मरहला ऐसा आता है कि जिसमें अल्लाह ताला अलग अलग करते हैं यानी मामला को अब अलग अलग किया जा रहा है जिस वक्त अल्लाह के अजाब का फ़ैसला होता है रसूलों की बेसत के बाद जब जजा सज़ा बरपा होती है तो उससे पहले एक काम अल्लाह तला कहते हैं कि वो हमेशा करते हैं जिसको वो तमहीस से ताबीर करते हैं या कभी ततहिर से ताबीर करते हैं कि लोग मिले जुले हैं जैसे इस वक्त आप लाहौर की आबादी को देखें तो आप ये तो नहीं बता सकते ना कि इसमें नेकोकार कौन है और इसमें बदकार कौन है और इसमें खुदा के मुनकर कौन से हैं और इसमें वो कौन लोग हैं कि जो अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं और कौन है जो सरकशी पर तुले हुए हैं लेकिन अगर, अगर अल्लाह ताला का अजाब अखलाकी कानून के तहत आना हो तो फिर ये ज़रूरी है कि अलग अलग कर दिया जाए सब लोगों को जिस तरह के मिसाल के तौर पर सैयद ननू अलैहिस्सलाम के मामले में ये किया गया कि उनको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया और फिर ये कहा गया कि ईमान वालों से कहो कि उसमें सवार हो जाए ताकि मामला अलग अलग हो जाए तो यहाँ पर भी मामले को अलग अलग किया जा रहा है इस मौके के ऊपर अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ईमान वाले अब इन अहले किताब के साथ अपने दोस्ती के तलुत ख़त्म कर दें यानी इनको अब अलग हो के सामने आ जाना चाहिए तो इर्शात फरमाया या यही लजीना अबनू ई ईमान वालों ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं यानी पीछे सारी जो बहस है उस बहस को ख़ात्मे तक पहुँचा कर और हर पहलू से वाजे करके अब ये कहा गया कि ईमान वालों ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं इसलिए ला तखज़ू बेानतुम मिन ने ला यालूनकुम ख़बाला अपने से बाहर के लोगों को भेदी न बनाओ तुम्हें नुकसान पहुंचाने में ये कोई कसर उठा ना रखेंगे यानी ये अब तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं एक मौका वो होता है कि जब किसी गिरोह के साथ आपका कोई मजहबी इख्तलाफ होता है यानी आप कहते हैं ये हक है दूसरा कहता है ये बातिल है आप कहते हैं ये बात सही है दूसरा उस पर बहस करता है यहाँ तक मामला पुरान मकालमे की सूरत में जारी रहता है लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब जानते बूझते पैगंबर के मुकाबले में लोग सरकशी पर उतर आते हैं तो ये सरकशी का मौका है कि जिसमें फिर वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं तो कुरान मजीद ने यहाँ ये बताया कि जिनको तुम अपने दोस्त समझ रहे हो ये जानते हो कौन है ला या लू ख़बाला तुम्हें नुकसान पहुँचाने में ये कोई कसर उठाना रखेंगे वद्दूमा तुम ये तुम्हारे लिए जहमतों के खांहा हैं यानी इतने दुश्मन हो चुके हुए हैं कि अब ये हर वक्त यही चाहते हैं कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचे तुम्हें कोई जख्म पहुँचे तुम्हारे दुश्मनों के साथ मिलकर या इधर उधर से जो कुछ भी कर सकते हैं हमेशा यही चाहते हैं कि तुम्हें नुकसान पहुँचाने का कोई तरीका ढूँढें ये इनकी अब जहनीयत बन चुकी है यानी वो पूरी तस्वीर कुरान मजीद बयान कर रहा है जिसमें वो ये हिदायत कर रहा है कि अब इनके साथ ताल्लुकात तोड़ लिए जाए तो पहली बात उसने ये कही कि ये वो लोग हैं कि जो अब असल में तुम्हारे नहीं रहे इसको बयान किया लात तखज बताना तुम बिन दोनों को या बाहर के लोग हैं इस वजह से इन बाहर के लोगों को अपना भेदी ना बनाओ ये अब हर मौके पर तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई ना कोई मंसूबा बना रहे हो ये तंबी जाहिर उन मुसलमानों को की जा रही है अपनी सादगी की वजह से अहले किताब की चालों को अच्छी तरह नहीं समझते थे और जो ताल्लुक और जो रवाबित उनके पहले से चले आ रहे थे उन्हें अपनी कमज़ोरी की वजह से तोड़ना भी नहीं चाहते थे इंसान के बहुत से ऐसे रवाबित्लुक़ात होते हैं आसान नहीं होता ये उनसे निकलना माशरती बंदरों में जो लोग बंधे हुए होते हैं ये एक बड़ा इम्तहान का मौका उनके लिए आ जाता है तो पहली बात ये फरमाई कि ये जो तुम्हारे खवास अहबाब और महरमान राज बने हुए हैं ये समझ लो कि ये इसकी अब अहलियत नहीं रखते कि इनको तुम ये हैसियत दो ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं ये तुम्हारे लिए जहमतों के खां हैं हर मौके पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और फिर फरमाया कि कद मिन अफवाहिम इनकी दुश्मनी अब कोई ऐसी चीज़ नहीं कि खुदा ही बताए तो मालूम हो वो तो इनके मुँह से निकली पड़ रही कद मिन अफवाहिम इनकी दुश्मनी इनके मुँह से निकली पड़ती है और फरमाया व तुफ़ी सुूर अकबर और जो कुछ इनके सीनों में छुपा हुआ है वो इससे भी सख्तर यानी जो तुम इनकी बातों से सुन रहे हो और जो इनके करतूत तुम देख रहे हो और जो इनके रवैये तुम्हारे सामने हैं वो भी हैं लेकिन जो सीनों में दुश्मनी छुपाए हुए हैं खुदा ही जानता है कि वो किस दर्जे की है वो इससे कहीं बढ़ कर है फिर तो फरमाया कद बन्ना लकम्ल आयात इनकुन तुम ताकिलून हमने ये निशानियाँ तुम्हारे लिए वाज़ कर दी हैं अगर तुम अकल रखते हो यानी ये सारे दलाइल दे दिए हैं तुम्हें निशानदेही करके बता दिया है कि ना तुम्हारे ये खवास में से हो सकते हैं ना माहर राज में से हो सकते हैं ये ये अहलियत खो चुके हैं इनके साथ ताल्लुक़ की नौीयत अब नज़रसानी का तकाज़ा करती है ये तुम्हारे लिए जहमतों के खांहा हैं इनकी दुश्मनी इनके एक एक कॉल से वाजे है इनके सीनों में जो कुछ छुपा हुआ है तुम नहीं जानते कि किस तरह की ये तदबीरें सोच रहे हैं तुम्हारे ख़िलाफ़ इतनी बात हमने वाजे कर दी है इन इनताकून अक़ल रखते हो तो इसकी रोशनी में हमारी इस हदायत का मुद्दा समझ सकते हो यानी ये बात है जो कही गई है तो आम तौर पर हमारे यहाँ ये होता है कि इस तरह के मौक़ों के ऊपर इस सारे स्याक सबाक और कॉन्टेक्स्ट को नज़रअंदाज करके लोग आयत पढ़ते हैं और फिर उससे मुद्दा ये निकाल लेते हैं कि फ़लाँ और फलाँ से दोस्ती नहीं रखी जा सकती तो एक ख़ास पस मंज़र है जिसमें ये बात कही जा रही है इरशाद फरमाया हा अं तुम ऊलाए तो हिब्बू नुम ये तुम ही हो कि इनको दोस्त रखना चाहते हो वलायु हिब्बू नुम अगर गौर करो अक़ल से काम लो तो वो तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहते यानी उन्होंने दुश्मनी का फैसला कर लिया है ये तुम हो को जो इस मामले में नरमी दिखा रहे हो वह तुमून बिल किताब कुल्ले दरा हाल के तुम अल्लाह की तमाम किताबों को मानते यानी तुम्हारे साथ दुश्मनी की कोई वजह नहीं थी दुश्मनी की वजह तो तम होती जब तुम कुछ मानते और कुछ के मुनकर होते जबकि तुम तो अल्लाह की सब किताबों पर ईमान रखते हो और गोया पूरी बात यह हुई कि सब रसूलों को मानते हो दीन को एक हिदायत समझते हो तुम्हारे यहाँ किसी चीज़ के इनकार का किसी हक़ के मामले में किसी तसब का कोई सवाल नहीं है इस वजह से तुम्हारे साथ दुश्मनी की कोई वजह नहीं हो सकती थी लेकिन बहरहाल अपने ज़िद और अपनी हटदर्मी और अपने हसद की वजह से इन्होंने फ़ैसला कर लिया दुश्मनी का तो अब सूरत हाल है ये है इसके बाद ज़ाहिर है कि उनमें से कुछ लोग थे जिनका जिक्र सूरह बकरा में भी आया है जिनका जिक्र यहाँ भी है जिनका जिक्र बाकी सूरतों में भी होगा यहाँ तक कि इस बाप की आखिरी सूरह सूरह मायदा तक में ये लोग मौजूद हैं ये वो लोग हैं कि जो आ के कुछ धोखा देना चाहते हैं यानी एक तो खुले दुश्मन हैं जिनकी दुश्मनी भी बिल्कुल वाजे है लेकिन उनके अंदर का एक गिरोह है सूर्य बकरा को अगर आप पढ़ें तो उसमें पहले ये बयान किया है कि इनदीन कफ़रूसवैम तम तुन ऊमिन यानी इनमें एक गिरोह वो है कि जिसने मुनकर होने का फ़ैसला कर लिया है और ये अब बिल्कुल तुल गया है मुखालफत के ऊपर तो उसके मामले में तो कोई तरद नहीं होता था लेकिन उसके फ़ौर बात है मेन नासिमा यकूल इन्हीं लोगों के अंदर एक दूसरा गिरह भी मौजूद है यानी इन्हीं मुनकरों के अंदर एक दूसरा गिरोह मौजूद है यह फरमाया वो गिरोह क्या करता है वहीज़ा लकूकम कालुआ मन्ना इनका तरीक़ा ये है कि तुम्हारे पास आएंगे तो कहेंगे जी हम भी मोमिन हैं हम भी मानने वाले हैं ये अपने आप को इस मानी में मोमिन कहते थे इस मफहूम में मोमिन कहते थे कि ये रसालत में आप वसल्लम की रिसालत के मुनकर नहीं हैं लेकिन उनकी रिसालत को यहूद के लिए रिसालत नहीं मानते ये आज भी मौक़ है और जो हमारे यहाँ मसीहियों ने रसालत में आपलम की रिसालत का इकरार किया बल्कि एक पूरी कॉन्फ्रेंस मुनदद करके ये कहा कि अब हम उनकी रसालत का इनकार नहीं करते तो इस मानी में किया कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ अकवाम के लिए पैगंबर भेजते रहे हैं वो उम्मी के लिए अल्लाह के पैगंबर हैं तो इस मानी में ये मानते थे कि ये बात तो अब वाजे हो गई कि आप खुदा के पैगम्बर हैं लेकिन आप जिस मानी में पैगम्बर हैं वो हमारे मफहम से मुख्तलफ हैं यानी हम आपको अपने लिए पैगंबर नहीं मानते हमारे लिए हमारे पैगंबर और हमारे सहीफ़े काफ़ी हैं ये बहुत जगहों पर इस गिरोह का ज़िक्र आया है तो ये फरमाया वा लकुकम कालु अमन इनका तरीका ये है कि ये आएंगे तुमसे आके मिलेंगे और कहेंगे कि हम तो ईमान लाए हुए हैं और जब तुम्हारे पास से अलग होंगे वज़ा ख़लौ अद्दूआमामगैस जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तो ईमान लाए हुए हैं और जब अलग होते हैं तो गु़स्से से तुम पर उंगलियां काटते हैं ये उनकी दुश्मनी उनके इनाद की तस्वीर खींची है कि इस हद तक तुम्हें धोखा देने के लिए ये बात कहते हैं तुम्हारे पास आएंगे और ये चाहेंगे कि किसी ना किसी जगह पे तुम्हारे साथ कोई मसालेद की सूरत निकाल लें लेकिन जैसे ही तुम्हारी मजलसों से अलग होते हैं तो अद्दोलकुमला ना मिला मिनल गैज़ गुस्से से तुम पर उंगलियां काटते हैं कुल मोहतू बैज़ तुम कह दो कि अपने इसी ग़ुस्से में मर जाओ यानी तुमने अगर ये फैसला कर लिया है कि तुम इस हसद की वजह से इतने बड़े हक़ का इनकार कर दोगे इतनी बड़ी सादत से महरूम हो जाएगी तुम्हें एक रसूल का ज़माना मिला है तुम्हारे सामने खुदा का पैगम्बर मौजूद है तुम उनको पहचान गए हो जानते हो और अब इकरार भी कर रहे हो इस बात का लेकिन इसके बावजूद अगर ये रवैया इख्तियार करते तो मुँह तो बे गए फिर अपने गुस्से में मरो इन आलिम बेज़ा सदूर कह दो कितने इस इसी गुस्से में मर जाओ अल्लाह तुम्हारी हर चीज़ से वाकफ़ है और अल्लाह तो सीनों के राज तक जानता है यानी अल्लाह से क्या चीज़ छुपी रहेगी ये ख्याल करते हो कि यहाँ आके ईमान का इस तरीके से इजहार करोगे इस तरह जब ये ईमान का इजहार करते और अपने जहन में ये बात रखते कि हम इन्हें अपने लिए खुदा का रसूल नहीं मान रहे मुसलमान इसमें धोखे में पड़ते और जब अल्लाह ताला की तरफ से तमहिस के या ततखीर के ये सख्त अहकाम आते तो उन्हें तजुब होता कि ये तो आके ईमान का इजहार कर रहे हैं तो अल्लाह ताला इतनी सख्ती क्यों बरत रहे हैं असल में ये उसका जवाब है जो दिया जा रहा है तो फरमाया कि अल्लाह तो दिलों के हाल से वाकिफ़ है हर चीज़ से वाकिफ़ है पर बाया इन तमसकुम हसनतन तसू हम कि ये इस हद तक दुश्मन हो चुके हैं कि तुम्हें कोई कामयाबी हासिल होती है तो इन्हें तकलीफ़ पहुँचती यानी जिस तरह आपको एक ताल्लुक़ खातिर हो किसी के साथ तो उसकी कामयाबी पर आप खुश होते हैं इसके बजाय इनको सख्त तकलीफ़ पहुँचती है इन तमसप तमसकुम हसनतू तसूहुम तुम्हें कोई कामयाबी होती है तो इन्हें तकलीफ़ पहुँचती है वह इन तसब कुम सैदुन यफ़रऊ बेह और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो इससे बेपनाह खुश होते हैं वैन इन तस्बरु बन तस्बरु बतत्तकू ला यह कैदुहुम कई दो हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं इनकी परवाह न करो और याद रखो कि अगर तुम सब्र करोगे और अल्लाह से डरते रहोगे तो इनकी कोई तदबीर तुम्हें नुकसान न पहुँचा सकेगी यानी मुसलमानों को तसली दी है कि अल्लाह ताला तुम्हारी पुष्ट पर खड़ा है अल्लाह का फ़ैसला सादर होने वाला है इस वजह से अपने किसी दुनियावी नुकसान या इनकी जमीयत मरूब होकर कोई फ़ैसला ना करो जो बात समझनी है वो समझो ये तुम्हारे खुले दुश्मन है ये तुम्हारे छुपे दुश्मन हैं ये तुम्हारे साथ किसी नौीयत का ताल्लुक़ नहीं रखते ये तुम हो के जो इनसे मोहब्बत करने की कोशिश कर रहे हो और तल्लात बरकरार कर रखने की कोशिश कर रहे हो ये बिल्कुल दूसरी जगह पर जाकर खड़े हो गए हैं इनका दिल अब ये है इनका दिमाग अब ये कहता है और इत्मीनान रखो सिर्फ़ एक ही शर्त है मेरी नुसरत की वो क्या है सबर और तकवा ये कुरान मजीद ने जगह जगह वाजे कर दिया है कि पैगम्बर के साथियों के लिए भी अल्लाह की नुसरत के लिए ये शर्त पूरा करना जरूरी है वरना अल्लाह ताली फरमाते हैं कि मैं कुछ और लोगों को लाऊंगा मेरे पैगंबर को तो बहरफ़त याब होना है लेकिन अगर तुम इस सादत में शामिल होना चाहते हो तो ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं एक ये कि सब्र करो मतलब यह है कि किसी जल्दबाजी में उबतला ना हो अपने मौके पर कायम रहो साबित सबितदमी के साथ अपनी बात कहो और उसको बयान करो और अल्लाह के फैसले के मामले में उसी का इंतज़ार करो कि वह कब अपना फ़ैसला सुनाएगा वह तब और दूसरे ये कि अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार किए रखो हदूद के पाबंद रहो किसी अखलाक मामले में कोई कोताही तुमसे सादर नहीं होनी चाहिए कोई दुश्मनी भी तुम्हें बेइंसाफी की बात पर आमादा ना करे अगर तुम इस पर कायम रहते हो तो ला यदुरुम कई दो शैया इनकी कोई तदबीर तुम्हें नुकसान न पहुँचा सकेगी इन बा या मलून बसी मुहित इसलिए कि जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसको घेरे में लिए हुए यानी ये जो वक्त होता है पैगंबर की बेसत का आप ये समझिए कि जैसे बाहर आती है या ख़ा आती है तो एक मौसम ऐसा बन जाता है कि जिसमें कुछ फिर नतज निकलते हैं बिल्कुल इसी तरीके से पैगंबर जब दुनिया में मौजूद होता है तो अल्लाह ताला उस वक्त उस पूरे इलाके का बर रास्त निगरानी करके किए हुए होते हैं कोई चीज़ गिरफ्त से नहीं निकल पाती कोई चीज़ गिरफ्त से नहीं निकल पाती का ये मतलब नहीं है कि आम हालात में निकल जाती है आम हालात में अमूमी कानून काम करता रहता है जिसके तहत लोग अपने बचाव की तदबीरें भी करते हैं लोग अल्लाह ताला के मुकाबले में सरकश भी हो जाते हैं लोगों को मोहलत भी मिलती है लेकिन उस वक्त ये मामला नहीं होता तो फरमाया कि ये इतमान रखो तुम तो अगर सब्र और तकवा करोगे तो इनकी कोई तदबीर तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगी और इन बिमा या मलून अल्लाह हर चीज़ का अतः किए हुए हैं अल्लाह हर चीज़ को घेरे हुए है जो कुछ ये कर रहे हैं इनके तमाम अमाल अल्लाह की गिरफ्त में वही इस गदौतमिनले का तब्यल्मोमिनयद किताल फरमाया ये हकीकत इन्हें समझाओ मुसलमानों को ये हकीकत समझाओ कि इस वक्त अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं उनकी स्कीम क्या है वो किस मुकाम पर खड़े हैं और तुम्हारा क्या इम्तहान मकसूद है किस चीज़ की तहहीर है तुम्हें सरफराजी मिलनी है तो किन मराहल से गुज़र कर मिलनी है इनके साथ सज़ा का मामला होना है तो उसके लिए कानून कायदा क्या है ये चीज़ इन्हें समझाओ और इसके लिए वो मौका याद दिलाओ यानी अब जब एक बात समझानी है तो कुरान मजीद ऐसा करता है कि बाज़त किसी हकीकत को वाजे करने के बाद माजी की तारीख़ से उसकी मिसाल देगा यानी मिसाल के तौर पर अगर ये बयान करना है कि अल्लाह इस तरह रसूलों की बेसत के बाद कौमों के साथ मामला करते हैं तो ऐसा मौका होता है कि जब फिर तारीख़ से दलाए आ जाते हैं कि देखिए आद का मामला ये हुआ समूद का मामला ये हुआ यहाँ पर करीब में एक मामला हो चुका है इसलिए उसी को मिसाल बना लिया है उसकी मैं आगे वज़ात करता हूँ लेकिन कुरि मजीद के नज़म के लिहाज से यानी उसमें मज़मून कैसे चल रहा होता है इसको समझ लीजिए कि बिलूम जब इस मौके पर बात आ जाती है कि अल्लाह ताला अपनी सुन्नत को बयान कर देते हैं कि रसूलों की बेसत के बाद मैं उनके मुनकरीन के साथ ये मामला करता हूँ और उनके मानने वालों के साथ ये मामला करता हूँ तो फिर वह तारीख़ के किसी वाक़े को सुनाते हैं यहाँ इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि रसालत में आप के मामले में जो उनकी कौम के ऊपर अज़ाब का मामला हुआ है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से हुआ है यानी चूँकि मुसलमानों को एक रियासत मयसर आ गई वहाँ उनकी हुकूमत कायम हो गई रिसालत में आप पर ईमान लाने वाले काफ़ी तादाद में थे अब अल्लाह ने यह फरमाया कि अब सरफराजी महज़ फरिश्तों की मदद से नहीं होगी बल्कि इसमें तो अपना किरदार अदा करना होगा दो गिरोह बन गए हैं वो इतनी कम तादाद में नहीं है कि उनके ऊपर बार या जिम्मेदारी ना डाली जा सके आगे आप देखेंगे कि उस ज़िम्मेदारी और बार डालने के, के लिए भी एक कानून है पूरा जो शुरय अनफाल वगैरह में आगे जाके बयान किया है जब आप तरतीब से पढ़ते जाएंगे तो वहाँ वो ज़ेर बैस आएगा जो आखिरी इकदाम है इसमें फिर कुछ दरमियान में वाक़ हुए जैसे बदर का मामला हुआ जैसे और मामला हुए तो उन्हीं को मिसाल बना लिया है तो यहाँ मिसाल दी है फरमाया कि ये हकीकत इन्हें समझाओ और इसके लिए वो मौका याद दिलाओ कौन सा मौका इस गदवता मनााले का तब्वीलमोमी मक़ायदलकताल जब उहद के दिन तुम तो मुसलमानों को जंग के मोर्चों में खड़ा करने के लिए बहुत सवेरे अपने घर से निकले थे यानी जिस मौके के ऊपर रिसालत ने नेहद के लिए इकदाम किया है हमला हो गया कुरेश हमलावर हुए तो उनका मुकाबला करने के लिए रसूल वसम सुबह सुबह अपने मोर्चों पर मुसलमानों को खड़ा करने के लिए घर से निकले उस वाक़े का हवाला दिया है फरमाया उस वक्त क्या हो रहा था अल्लाह तुम्हारे इरादों से भी वाकिफ़ था तुम्हारी बातें भी सुन रहा था वल्ला समलीम और अल्लाह सुनने वाला है और अल्लाह जानने वाला है ये तंबी करके तमहीद उठाई है अब वाक्य आगे आ रहा है यानी पहले ये तम्बी कर दी है कि इस मौके के ऊपर हम कुछ तो वाक़ात की तरफ़ इशारा करेंगे कुछ उस वक्त जो दिलों में गुजर रही थी वो भी बताएँगे क्योंकि अल्लाह तला तो बता चुके हैं ना अलीम बेज़ा सदूर है तो ये एक बड़ा अहम मुक़ाम आ रहा है कुरान मजीद में जिसमें ख़ुद क़ुरान मजीद अपनी दाखिली शहादतों से किस तरीके से नुयाँ करके बताता है कि देखिए मामला खुदा के साथ होता है तो क्या होता है यानी ये सूरा के दौरान में आप ये देखेंगे कि जिस तरह वाक्य ज़ेर बैस आ रहा है इसी तरह मुखातबीन के दिलों की कैफियतों के ऊपर तबसरे हो रहे हैं उन्होंने जो इरादे किए हैं वो नुया किए जा रहे हैं जो कुछ वो कह रहे हैं उसके पीछे क्या महरक हैं उनको बताया यहाँ तक के इसके दौरान में एक मौका ऐसा आ जाएगा कि जिस पर अल्लाह ताला ने बात शुरू की है रिसालत में आप के दिल में एक ख्याल गुजरा है तो रोक कर उस दिल के ख़्याल के ऊपर तंबी की है कि आप इसको इस तरह देखें इस मामले को यानी बिल्कुल जिस तरीके से आप यूँ समझिए कि खुदाबंदी गोया ज़मीन पर खड़े होकर मामला कर रही है उसकी बड़ी गैर मामूली तस्वीरें अब सामने आएँगी क्योंकि यहाँ वाक़त कुछ देर बैस आ गए तो फरमाया कि इस हमत ताइफ़तानकुम जब तुम में से दो गिरोहों ने यानी उस वक्त को याद करो जब तुम में से दो गिरोहों ने हौसला छोड़ना चाहा ये दो गिरोह कौन से थे जाहिर बात है कि कुरान मजीद का मकसद तो यहाँ पर यह बयान करना नहीं है और उस वक्त के मुखातमीन वाक़िफ हैं इस सारे वाक़े से यहाँ तो ये इशारा करना मकसूद है कि मुसलमानों के अंदर दो गोह ऐसे थे जिन्होंने उस मौके के ऊपर हौसला छोड़ना चाहा यानी हिम्मत हार गए जब उन्होंने देखा कि इस तरीके से हमला हो गया है जाहिर है कि इस मौके के ऊपर हर तरह के किरदार सामने आ जाते हैं तो दो गिरोह मौर्रखीन ये बयान करते हैं कि ये कबीला हजरत के बनु सलमा और कबीला औस के बनु हारसा की तरफ़ इशारा है ये मौर्खी ने बताया है क़ुर मजीद के पेश नदर तारीख बयान करना नहीं होता इसलिए उसने इजमाल में इसका जिक्र किया जिस वाक्य का यहाँ ज़िक्र हो रहा है उसका पस मंज़र थोड़ा सा समझ लेना चाहिए इन दोनों गिरोहों के अंदर मुनाफिकीन की शरारतों की वजह से ये मालूम होता है तारीख़ से कुछ बुजदली पैदा हुई लेकिन फिर वह सँभल गए मुनाफिक दर हकीकत इस जंग के लिए निकलना नहीं चाहते थे हजरत सल्लम को इनकी इस कमज़ोरी का अंदाज़ा था चुनाचे आपने ये चाहा कि निकलने से पहले सही सूरतयाल सामने आ जाए यानी जब एक अमीर लश्कर की हैसियत से बाहर निकलने का फ़ैसला कर लिया कि अब इकदाम करना है या मुकाबला करना है तो इस मौके पर अपनी जमत या अपनी तंजीम या अपनी फ़ौज के अज़म हिम्मत का अंदाज़ा करने के लिए रसालत में आपली ने ये चाहा कि कुछ इस तरह की सूरत पैदा की जाए ये इसकी और मिसालें भी आपके सामने आएंगी मिसाल के तौर पर सूरह बकरा में तलूत की जंग में ये बयान किया गया है कि ख़ास जगह पर जब लोग पहुंच गए और उनको बहुत शदीद प्यास लगी हुई थी तो उस मौके पर एक नदी आ गई तो उनसे ये तकादा किया गया कि आप यहाँ से चुल्लू भर पानी से ज़्यादा नहीं पियेंगे तो फरमाया कि इस तरीके से मालूम हो जाएगा कि इनके अंदर इत का जज्बा भी है या नहीं जिस तरीके से आम तौर पर आपने देखा होगा फ़ौज भी इस तरह के इम्तानात से गुजारती है तो ये जो मामला था इसमें भी ये ज़रूरी हुआ कि अब ये देखा जाए कि कौन कहाँ खड़ा है तो इम्तहाना आपने मुसलमानों के सामने ये सवाल रखा कि कुरैश का मुकाबला मदीने के अंदर से किया जाए या बाहर निकल कर किया जाए यानी ये जो सूरत हाल थी अब देखिए कि इसमें तदबीर का पहलू भी हो सकता है लेकिन एक दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जो लोग सच्चे अहले ईमान हैं वो ये जानते हैं कि अगर सबर और तकवे के ऊपर हम कायम रहे तो अल्लाह का वादा कि नुसरत आएगी उनकी शरीद ख्वाहिश यानी ये समझ लीजिए कि आम हालात में तो आप तदबीर पर गुफ्तू कर सकते हैं ना लेकिन जब मामला ये हो कि एक तरफ़ खुदा खड़ा हो और उसकी तरफ़ से ये बात कही जा रही हो कि कोई मसला ही नहीं है तुम्हें सिर्फ सबर और तकवे के साथ अपनी जगह पर खड़ा होना है इसके बाद ये तो तय है कि इनको शिकस्त खानी है तो इस मौके के ऊपर एक साहिब ईमान क्या चाहेगा यानी वो फिर कोई हिफाजत की तदबीर करने की तरफ इतना तवज्जो नहीं करेगा कि मुझे तो सिर्फ़ इतना ही करना है कि सबर तकवे के साथ आगे बढ़ जाना है तो ये चीज़ हुजूर ने सामने रखी जाहिर है कि जो लोग इस मामले में वाजे थे जिनके अंदर कोई तरद नहीं था उन्होंने फ़ौर यही कहा कि जी बाहर निकल कर इस मार्के को होने दीजिए अगर खुदा हमारी पुश्त पर खड़ा है तो फिर घबराने की क्या ज़रूरत है फिर हम इसार क्यों कायम करें हम लड़ेंगे इनके साथ पूरे जोश जज्बे के साथ उन्होंने ये जवाब दिया मुनाफिक ने मदीने में महसूर होकर मुकाबले की मसलतें बयान करना शुरू कर दी यानी वो तदबीर का पहलू जो है वो समझे नहीं कि ये आम हालात की चीज़ नहीं है आम हालात में तो जाहिर है कि तदबीर बताने वाला कोई गलती नहीं कर रहा होता लेकिन नोयीत वाक़ चूँकि बिल्कुल मुख्तलिफ है ये बिल्कुल ऐसे ही है ना कि अगर आम हालात में आपको बाहर निकलना और ख़तरा हो तो एक आदमी ये कहेगा कि ज़रा इस तरह गाड़ी में बैठ के चले जाइए या ये आपने साथ कोई गार्ड ले चले जाइए या इस तरह की हफाजती की तदबीर कर लीजिए तो आप अगर उसको रद्द कर दें तो एक अहमकाना हरकत होगी एक मुनासब तरीके पर आप करेंगे अगर फ़र्ज़ कीजिए कि सुबह के वक्त अल्लाह ताली यह फरमाए कि कोई मसला ही नहीं आप निकले मैं साथ हूँ तो नौत बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी यहाँ सूरतल ये है जिसमें रसालत में आपल्म ने यह इम्तहान सामने रख लिया है इससे हुजूर को अंदाज़ा हो गया कि सूरत क्या है चनाचे उसके बाद आपने किया वही जो आपके दिल में था यानी आप बाहर निकले और आपने फिर उसके बाद एकदम का फ़ैसला कर लिया उस वाक़े की तरफ यहाँ इशारा किया कुरान मजीद ने तो फरमाया कि जब तुम में से दो गिरोहों ने हौसला छोड़ना चाहा वल्ल वली इस हमत ताय फ़तः ने बिनकुम तफ चला उस वक्त जब तुम में से दो ग्ररोहों ने हौसला छोड़ना चाहा दरा हाल के अल्लाह उनकी मदद के लिए मौजूद था यानी अल्लाह ताला तो उस वक्त मदद करने के लिए हर तरह से तैयार खड़े हुए थे मामला ये नहीं था कि इंसानी तदबीर पर छोड़ दिया गया है जिसमें कोई भी चीज़ हो सकती है वल्लाव वली यूँ हम अल्लाह उस वक्त उनकी कारसाज़ी उनकी मदद के लिए मौजूद थे वाल्ला फली तवक्लमोमिन और ईमान वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए यानी ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह की तरफ़ से मदद की यकीन दहानी करा दी गई हो खुदा का पैगंबर मौजूद हो दुश्मन आप पर चढ़ दौड़े हों और आप में ये हौसला ना पैदा हो कि अब मैसूर हो के क्या करना है जब अल्लाह मदद करने के लिए तैयार है तो एक बार इनके कसबल निकाल देने चाहिए फिर तो हर मुसलमान का जज्बा यही होगा इर्शाद फरमाया कि ईमान वालों को तो अल्ला ही पर भरोसा करना चाहिए वलकद नसर कुमल्ला बद्र और फरमाया कि ये जो अल्लाह ताला की मदद थी ये इससे थोड़े ही अरसा पहले बदर में आ चुकी थी यानी कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि जिसका पहले तजर्बा नहीं हुआ था अल्लाह कैसे मदद किया करता है इस मौके पर अगर अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद के लिए मौजूद निकलो तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो पहली बार हो रही थी फरमाया वाल नसरकल्ल बदर ये वाक़ इससे पहले बदर में हो चुका था व अन तुम अज़िल्ला जबकि तुम इससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर थे यानी उस वक्त तो तनासब भी बहुत मख्तल था तुम्हारी ताकत भी बहुत कम थी तो ये सब कुछ हो चुका था फिर भी ना शुक्र करते हो फरमाया फतुल्ल तशकुरून सो अल्लाह से डरो ताकि तुम उसके शुक्रगुजार हो तुम्हारे अंदर अल्लाह का तकवा होना चाहिए ये फरमाया कि वाक़ याद करो जब ये हो रहा था जब ये हो रहा था और इस तरह मुसलमानों के एक गिरोह ने अल्लाह पर भरोसा करने की बजाय उस मौके पर बल्कि दो गिरोहों ने मुसलमानों के अंदर के दो गिरोहों ने जब यह रवैया इख्तियार किया तो फ़रमाया कि इस तकूलमिन और उस वक्त आ पैगम्बर तुम मुसलमानों से कह रहे थेफियम यकफ़ियम रबकुम ब सलासत अलाफि बिनलमलायत मनजलिन यानी रसालत में आपली वसम अल्लाह की मदद की तफसील कर रहे थे सिर्फ़ यही नहीं कि बात इजमाल में कही जा रही थी इससे आप वो सारी तस्वीर समझ सकते हैं कि सूरत्याल क्या है जिसमें तनकीद कर रहे हैं अल्लाह ताली तो फरमाया कि जब तुम मैं पैगंबर इन मुसलमानों से कह रहे थे कि किल यकफीकुम युमदकुम रब्बुम बसास मिल मलकत मनजलिन कि क्या उस वक्त तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं होगा कि तुम्हारा परवरदिगार तीन हज़ार फरिश्तों से तुम्हारी मदद करे यानी उधर से अगर एक लश्कर जर्रार आ गया है और इधर से तुम्हारी ताकत में अगर कोई कमी भी है तो अल्लाह ताला क्या तीन हज़ार फरिश्तों से मदद करे तो इसके बाद भी कोई तरद होना चाहिए અને આગે 3000 ફરિશ્તે અગર મદદ કે લિયે ખડે હો જાયે તો ફરમાયા કે જો ઇસી મકસદ સે ઉતારે ગયે હો મન્ઝલિન યાની યે નહીં કે કહીં યે इधर-ઉધર ચલતે ફિરતે ચાલે તુ તુમારી મદદ કર દેંગે વો ઇસી મકસદ સે ઉતાર કર ખડે કીયે જા રહે હે કે વો તુમારી મદદ કરે બલા ફરમાયા ક્યું નહીં ઇન તસબિરુ વ તતકુ અગર તુમ સબર કરો યે વહી શરત હે યાની તુમારી સાબિત કદમી જરૂરી હે اخલાક કી હુદૂદ કા લિહાજ જરૂરી હે ખુદા સે ડરતે રહેના જરૂરી હે તો ફરમાયા कि जिस वक्त हमारा पैगंबर ये बात कह रहा था तो हमने फौरन टोक कर कहा कि इन तस्बिरु व कि क्यों नहीं अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो वह या तो कुमिन फ़ौर हम हाजा और तुम्हारे दुश्मन इसी वक्त तुम पर टूट पड़े यानी अभी तुम तैयार भी नहीं हुए लड़ने के लिए तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर दुश्मन इसी वक्त टूट पड़े युम दिदकुम रब्बुम बमसत अलाफि मिलन तुम्हारा परवर दिगार तीन हज़ार के पाँच हज़ार फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा मुसवुमीन जो इसी मकसद के लिए ख़ास निशान लगा के उतार दिए जाएंगे यानी इस शान के साथ इस मार में उतरने के लिए कहा जा रहा है इसलिए कि ये मामला किसी आम जंग का नहीं है बल्कि अल्लाह के पैगम्बर के साथ एक मार्के में उतर रहे हैं और इसमें एक फैसला सुनाया जाने वाला है तो इर्षात फरमाया ये वाक़ याद करो यानी हम अपनी मदद इस तरह बयान कर रहे थे खुदा का पैगंबर ये वादा कर रहा था रिसालत मबल्म एक अमूमी वादे के लिहाज से जो अल्लाह ताला ने आम तौर पर बयान किया है ये फरमा रहे थे कि इस मौके पर तीन हज़ार फरिश्ते नाजिल होंगे और अल्लाह उनको ख़ास इस मकसद के लिए भेजेगा अगर वो तुम्हारी मदद करें तो क्या ये काफ़ी नहीं है कि तुम हौसले के साथ बाहर निकलो क्यों हम मैसूर होकर यहाँ जंग करें फरमाया रसालत मबल वसम ये कह रहे थे और अल्लाह ताली ने वो बात सुनते ही फौरी जवाब दिया था याद करो उस मौके के ऊपर कि तीन क्या पाँच और ये उस सूरत में भी जबकि तुम अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए उसी वक्त नाजिल कर दिए जाएंगे फ़रमाया कि ये क्यों किया अल्लाह ने माज्ल् बश्र नकुम ये अल्लाह ने सिर्फ़ इसलिए किया कि तुम्हें बशारत हो वाले तत्मा क्लूब कुम बही और तुम्हारे दिल इससे मुतमिन हो जाए मतलब ये है कि इस तरह की कि किसी बशारत के बग़ैर बग़ैर भी ईमान वालों का अक़ीदा तो यही होना चाहिए कि फ़त व नुसरत हमेशा अल्लाह की तरफ से आती है इजमाल में भी बात कर देती तो काफ़ी थी इतनी वज़ाहत क्यों की गई इसलिए कि तुम्हारे दिल पूरी तरह मुतमन हो जाएँ वम्मा नसर मिनल्लाज़ीज़ुल हकीम और मदद तो अल्लाह तो अल्लाह ही की तरफ से आती है जो ज़बरदस्त है बड़ी हमत वाला है फरमाया कि अल्लाह ताला की क़ुत से ना कोई चीज़ निकली हुई है ना उसकी मदद के कवानीन अललटप हैं वो एक कायदे के मुताबिक अपनी हमत के मुताबिक ये सब मामला करता है ये वजाहत इस वजह से करना पड़ी ताकि तुम्हारे लिए बशारत भी हो तुम्हारे अंदर हौसला भी पैदा हो और तुम इस मार्के में कहीं मुतजलजल ना हो जाओ इस मकसद के लिए यानी अल्लाह ताला ने ये बताया कि एक बार ईमान और तकवे के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर लो तो मैं सिर्फ मदद ही नहीं करता बल्कि उस मौके पर तुम्हारा हौसला भी इस तरह बढ़ा दिया था यानी अल्लाह के पैगम्बर ने यह बात की उस पर मैंने ये बात की तो फरमाया कि मदद तो अल्लाह ही करता है फिर ने भी क्या करनी है लेकिन तुम्हें बता दिया गया कि तुम जाहिर है कि इंसान को जब ये बताया जाता है कि अल्लाह मदद करेगा तो इंसान हवास का असीर है और तदबीर और तो के सिलसिले में बना हुआ है तो फौरी तौर पर ख़्याल होता है कैसे करेगा अल्लाह मदद मतलब। तो फरमाया कि इसलिए हमने वजाहत कर दी थी कि अल्लाह ताला पाँच हज़ार फरिश्ते खड़ा कर देगा अब तो एक वाज बात सामने नज़र आ गई ना तो इस वजह से इसके बाद भी अगर तुम बेहिमती दिखाओ तो तुफ तुम पर यह वाक़ याद दिलाया कि ये मामला हो रहा था इस मौके पर अल्लाह ताली ये कर रहे थे और इन दोनों गिरोहों के यहाँ उस वक्त हौसला छोड़ने के ये ये पहलू सामने आ रहे थे ये वाक़े की तमीद बांधी है और बता दिया कि इससे पहले अल्लाह में भी यही कर चुके थे लेयकता तरफम मिनल कफ़रू क्यों अल्लाह ने यह किया इसलिए किया ताकि इन मुनकरों का इन मुनकरों का एक हिस्सा काट ले यानी अल्लाह की ये मदद की मामूली सूरत क्यों हुई इस मकसद के लिए हुई कि जब इस मद, मदद का हूर हो तो जिस तरह तुम्हें हिम्मत मिले तुम्हें हौसला मिले इसी तरह जो मुखातबीन है जो मुखालफ हैं जो क्रैश चढ़ दौड़े हैं उनमें से भी कुछ लोगों को तोफीक मिल जाए कि वो ईमान ले। अल्लाह ताला उनके एक हिस्से को काट कर तुम्हारा साथी बना दे अल्लाह त इस मकसद के लिए यानी उस मौके के ऊपर अल्लाह ताली नहीं चाहते कि अज़ाब की सूरत पैदा हो तो इस वजह से वो पैदर पै ऐसी निशानियाँ दिखा देते हैं कि आखिरी दर्जे में भी अगर किसी जहन में तरदद है तो वह अल्लाह की मदद और नुसरत और अल्लाह के जहूर को पैगम्बर के साथ देकर लौट आए और अजाब का हदफ ना बने तो फरमाया कि एक पहलू ये था कि इस मकसद से जब इनको ये बताया जाएगा और अल्लाह की नुसरत आएगी और ये मामला होगा और इस तरह फ़त नुसरत मुसलमानों के कदम चूमेंगी तो इसके नतीजे में अल्लाह ताला इन मुनकरों के अंदर के एक हिस्से को ईमान लाने की तौफीक देगा और इस तरह उनका एक हिस्सा उनमें से काट लेगा फरमाया और दूसरी ये कि औ यकब हम यकता तरफम मिनल कफरू और यकबत फ़ैन कलेबु खायबीन और या ये होगा कि ऐसा जलील करके उनको लौटाएगा कि सिर्फ खारी होगी और कोई चीज़ नहीं होगी यानी दोनों पहलू थे कि अगर तोफ़ी मिल जाए तो कुछ लोग मान लें और मुसलमानों के साथ शामिल हो जाए और अगर तोफी ना मिले तो फिर ये वाजे भी हो जाए कि मामला खुदा के साथ है किसी इंसान के साथ नहीं है अब इसमें जो अल्लाह ताला ने दोनों पहलू रखे तो रिसालत मल्लम के दिल में इस मौके के ऊपर कोई ख्याल गुजरा है और ये साफ मालूम होता है कि उसकी नोयीत यही रही है कि यानी ये दूसरा बात क्यों हो ईमान ही क्यों ना लाएँ यानी रिसाल के बारे में ये कुरान ने दूसरी जगह भी बयान किया है ना कि आप तो अपनी जान को ला देंगे कि ये मुसलमान हो जाए तो रिसालत पापलीसलम के अंदर जो एक नरमी और राफ़त और मोहब्बत है दोनों पहलू बयान किए ना और दूसरे में ज़्यादा सख्ती है पहला ये कहा है कि इनमें से कुछ लोगों को ईमान की तोफ़ी मिले एक शक्ल ये हो सकती है और ईमान की तोफ़ी के बाद ये मुसलमानों के साथ शामिल हो जाएँ और या फिर इस तरह जलील होकर लौटें कि मुँह दिखाने के काबिल न रहें अल्लाह ने यह फ़ैसला किया था रसालत में आपली सल्लम के दिल में ये ख़्याल पैदा हुआ है कि मेरी पूरी की पूरी कौम ईमान ही क्यों ना लाएँ यानी अल्लाह ताली ये तोफ़ी क्यों ना दें ये बड़ी फितरी ख्वाहिश है जैसे ही ये ख्याल पैदा हुआ है तो जुमले को तोड़ कर कहा है लई सला का मिलाम रेशा है नहीं नहीं आपका इसमें कोई इख्तियार नहीं लई सला का मिला रेशाई जुमला टूट गया है आप अगर आगे देखें तो जुमला आगे चल रहा है फ़ैन कलेबाइबिन और युतूबा यू अज़ब अहम तो दरमियान में उसको तोड़ दिया है और तोड़ के रसूल वसलम को मुखातब करके कहा है लई सला का मिल अमर शईन आपका हिदायत और गुमराई के मामले में कोई इख्तियार नहीं है यानी आप इस मामले के अंदर दखल अंदाज ना हो और ओ यतूबा लहमो युज़ब हूँ आपको इस मामले में कोई इख्तियार नहीं कि अल्लाह इनके साथ यही करे या इनकी तौबा कबूल करे अगर ये तबा करें या इन पर अपना अजाब नाजिल कर दे इसलिए कि ये ालिम है ओ यतूबा लहमोब हम फ़ैन ालिमून यानी रसूल वसलम के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ दरमियान में जुमले को टोका थोड़ी सी तवज्जो दिलाई और ये कहा कि हिदायत और गुमराही एक कानून के तहत होती है ऐसा नहीं है कि मैं अल्टअप ये फैसला कर दूँगा आपकी ख्वाहिश है इसलिए मैं इनको तोफी के हिदायत दे दूँ ये सारे के सारे मुसलमान हो जाएँ इसका इसार इस पर है कि ये तोबा करें और अल्लाह तोबा कबूल करें ये तो ठीक है उसके कानून के मुताबिक है और ये अगर अपने म पर इसरार करें तो फिर ालमों के मामले में अल्ला का ये कानून नहीं है कि उन्हें हिदायत दे दिया करते हैं इसलिए कि तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो गई है तो जुमले को दरमियान में तोड़ा तोड़ कर तम्बी की और उसके बाद बात मुकम्मल कर दी तो इस तरीके से गोया अल्लाह ताला ने यह बताया कि हिदायत और गुमराही के मामले में अल्लाह का मामला क्या है और ये सर तसर अल्लाह के इख्तियार में है और ये है भी एक कानून के मुताबिक ये कोई अल्टअप या ख्वाशों पर छोड़ने वाला मामला नहीं है यहाँ तो हमारे यहाँ तो यह है ना कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को तवज्जो दिलाई कि आपकी शरीद ख़्वाहिश के बावजूद भी कानून रूबा अमल होगा और कानून यही है कि अगर रजू करेंगे तो तबा कबूल करूँगा अगर पर तासरार करेंगे तो सजा दूँगा तो मैं इस कानून के हट कर कोई फ़ैसला नहीं करूँगा लई सला का मिल हिदायत और गुमराही के मामले में आपका कोई इख्तियार नहीं ये सर तसर मामला हमसे मुत्ल है वलिल ही बाफ़ समावत व माफ़ लर्द ये अल्लाह ही का इख्तियार है और ज़मीन व आसमान में जो कुछ है वह अल्लाह ही का है यकफिर यशाह वह अपने कानून के मुताबिक जिसको चाहेगा बख्शेगा बख्एगा वहीजाम यशाह और जिसको चाहेगा सजा देगा वह गफ़ूरहम और हकीकत यह है कि अल्लाह कोई जुल्म करने वाला नहीं है अल्लाह बख्शने वाला है उसकी शफकत अबधी है यानी मैं बख्शने के लिए तैयार बैठा हूँ मेरी तरफ़ से कोई मसला नहीं है लेकिन कानून कायदे के मुताबिक बेलाग तरीके से मामला होगा आपका इख्तियार नहीं है आप अगर इन आयतों को पढ़ें तो इनके अंदर जो ज़ोर है जिस तरीके से अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत को बयान किया है अपने कानून को बयान किया वो हैरत अंगेज़ है यानी गोया इसत में के दिल में ज़रा सा ख्याल पैदा हुआ है उस पर टोका ये बताया कि हिदायत और गुमराही आपके के इख्तियार में नहीं है पूरे ज़ोर के साथ ये कहा कि ये तौबा करने वालों के लिए बख्शिश है और जुल्म पर इसरार करने वालों के लिए अजाब है और उसके बाद ये कहा यह सब कुछ खुदा के इख्तियार में है ज़मीन व आसमान की हर चीज़ उसके इख्तियार में है वो चाहेगा तो अपने कानून के मुताबिक बख्शेगा चाहेगा तो अपने कानून के मुताबिक सजा देगा लेकिन इससे ये ख्याल न करो कि वो कोई ालमिम है हकीकत यह है कि वल्लु गफ़ूर रहीम बहुत बख्शने वाला बहुत रहम करने वाला है बशर्ते के बंदा उन शरात को पूरा कर दे जो उसकी बख्शिश को मतवज करती है इन आयात का आप सादा तर्जुमा सुन लीजिए इर्शाद फरमाया ईमान वालों ये तुम्हारे दोस्त नहीं है इसलिए अपने से बाहर के लोगों को भेदी ना बनाओ तुम्हें नुकसान पहुँचाने में ये कोई कसर उठा ना रखेंगे ये तुम्हारे लिए जहमतों के खवाहा हैं इनकी दुश्मनी इनके मुँह से निकली पड़ती है और जो कुछ इनके सीनों में छुपा हुआ है वो इससे भी सख्तर है हमने ये निशानियाँ तुम्हारे लिए वाज़ कर दी हैं अगर तुम अकल रखते हो ये तुम ही हो कि इनको दोस्त रखना चाहते हो मगर वो तुमसे दोस्ती नहीं रखते जरा हाल है कि तुम अल्लाह की तमाम अल्ला किताबों को मानते हो और इनका तरीका ये है कि जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हें मान लाए हुए हैं और जब अलग होते हैं तो गुस्से से तुम पर उंगलियाँ काटते हैं कह दो कि अपने इसी गुस्से में मर जाओ अल्लाह तुम्हारी हर चीज़ से वाकिफ़ है और अल्लाह तो सीनों के राज तक जानता है तुम्हें कोई कामयाबी हासिल होती है तो इन्हें तकलीफ होती है तुम पर कोई मुसीबत आती है तो इससे खुश होते हैं ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं इनकी परवाह न करो और याद रखो कि अगर तुम सब्र करोगे और अल्लाह से डरते रहोगे तो इनकी कोई तदबीर तुम्हें नुकसान न पहुँचा सकेगी इसलिए जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसको घेरे में लिए हुए हैं ये हकीकत इन्हें समझाओ है पैगम्बर और इसके लिए वो मौका याद दिलाओ बहुत के दिन तुम मुसलमानों को जंग के मोर्चों पर खड़ा करने के लिए बाद सवेरे अपने घर से निकले थे उस वक्त अल्लाह तुम्हारे इरादों से वाकिफ़ था और तुम्हारी बातें सुन रहा था और अल्लाह सभी अलीम है उस वक्त जब तुम में से दो गिरोहों ने हौसला छोड़ना चाहा जरा हाल के अल्लाह उनकी मदद के लिए मौजूद था और ईमान वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए अल्लाह ने इससे पहले बद्र में भी तुम्हारी मदद की थी जबकि तुम नहाय कमज़ोर थे फिर भी ना शुक्र करते हो सो अल्लाह से डरो ताकि तुम उसके शुक्रगुजार हो याद करो जब तुम मुसलमानों से कह रहे थे क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि तुम्हारा परवरदिगार तीन हज़ार फरिश्तों से तुम्हारी मदद करे जो इसी मकसद से उतारे गए हों हाँ क्यों नहीं अगर तुम सब्र करो और खुदा से डरते रहो और तुम्हारे दुश्मन इसी वक्त तुम पर आ पड़े तो तुम्हारा परवरदिगार दिगार पाँच हज़ार फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा जो ख़ास निशान लगाए हुए होंगे और ये तो अल्लाह ने सिर्फ़ इसलिए किया कि तुम्हें बेकारग हो और तुम्हारे दिल इससे मुतमिन हो जाए और मदद तो अल्लाह की तरफ़ से आती है जो ज़बरदस्त है बड़ी हमत वाला है इसलिए किया ताकि इन मुनकरों को ईमान लाने की तोफ़ी दे और इस तरह इनका एक हिस्सा काट ले या इन्हें ऐसा जलील करें कि खार होकर लौटें तुम्हें इस मामले में कोई इख्तियार नहीं कि अल्लाह इनके साथ यही करे या इनकी तौबा कबूल कर ले अगर ये तौबा करे या इन पर अपना अजाब नाजिल कर दे तो इसलिए ये ज़ालिम है या अल्लाह ही का इख्तियार है और ज़मीन व आसमान में जो कुछ है अजाई का है वो अपने कानून के मुताबिक जिसको चाहेगा बख्श देगा और जिसको चाहेगा सजा देगा और हकीकत ये है कि अल्लाह बख्शने वाला है उसकी शक्क़त